This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioner at Syed Ali Chabutra near Shah Ghaz Hotel. तेलंगाना में आए दिन कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। रियासत तेलंगाना में अंदरून 24 घंटे कोरोना वायरस के 313 नए केसेस दर्ज किए गए और 2 की अमवात दर्ज हुई। तेलंगाना में कुल 2434 कोरोना केसेस एक्टिव है। जीवीके मॉल बंजारा हिल्स के करीब रोड नंबर 11 पर गैर कानूनी सरगर्मियां देखी गई। कुछ ट्रांसजेंडर को नौजवानों से बात करते हुए देखा गया। नकली काला जादू करने वाले बाला राजू को नौजोन टैक्स फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। बाला राजू लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए काले जादू के नाम पर मासूम लोगों से सोना लेते थे और लोगों को धोखा देकर फरार हो जाते थे। बताया गया है कि मुलजिम ग्रेजुएट है और 3 साल तक टीचर की हैसियत से काम करते थे। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर MLC इंतखाबात की गिनती मुकम्मल हो गई। इसमें BJP के उम्मीदवार R. रामचंद्र राव के खिलाफ TRS उम्मीदवार सुरभि वानी 8021 वोटों से आगे है। TRS पार्टी ने कुल 112,689 वोट हासिल किए और BJP पार्टी ने कुल 104,668 वोट हासिल किए। रियासत महाराष्ट्र के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक अंदरून 24 घंटों में कोरोना के 25,833 नए केसेस दर्ज हुए और 12,764 कोरोना से शिफायाब हुए और अब तक 58 अमवात की इत्तला दी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS की हिदायत पर चंद्रायन भुट्टा पुलिस ने हैदराबाद यूथ करीज के प्रेसिडेंट सलमान खान और वाइस प्रेसिडेंट सैयद अयूब को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया, जो चंद्रायन भुट्टा पंचा भुट्टा नामपल्ली बहादुरपुरा गोलकुंडा के पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कई धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में मुलविस रहने के केसेस दर्ज है। इंशाल्लाह बराबर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बराबर। ठीक है। अच्छी है।